नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सारे आपका स्वागत करता हूं हमारी यूपी लाइव 100 व्यूज पर। खबर है बहराइच से, युवाओं को रोजगार के प्रति सजग करने में जुटी प्रशासन। उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास मिशन द्वारा असमलम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक युवा खुद के पैरों पर खड़े होकर बेहतर रोजगार चला सके, इसको लेकर बहराइच के प्रशासन की तरफ से जगह जगह नुक्कड़ नाटक आयोजित कर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया नुक्कड़ सभा के बाद जिला अधिकारी ने कहा कि आज का युवा बेरोजगार न रहे और असमलम बन सके, इसको लेकर लगातार प्रशासन और प्रशासन की तरफ से सभी प्रयास किया जा रहा है। युवाओं में युवाओं का आगे आने की जरूरत है। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ बहराइच। कौशल विकास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार यह लगातार प्रयासरत है कि कैसे बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाया जाए और उस लक्ष्य लिया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कि 2022 तक हम इस मिशन के तहत लगभग 50 करोड़ के बराबर युवाओं को प्रशिक्षित कर उनको रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी आप सबने नुक्कड़ नाटक भी देखा, मुझे पसंद आता है कि कई जगह ये नाटक हो रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से रुचि लेकर बहराइच के जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने और इतनी सारी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस नुक्कड़ नाटक को देखा, तो जो इसका उद्देश्य है इसे दिखाने का वो सार्थक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जगह जगह इस तरह के नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर में ये कौशल विकास मिशन है क्या। आप सबने भी हमारे साथ देखा, इस मिशन के तहत दो तरह की योजनाएं हैं, एक आवासीय है और एक गैर आवासीय है। जो आवासीय व्यवस्था है वहाँ पर बच्चों के रहने का, खाने का, 4 टाइम के भोजन का, यूनिफॉर्म का और उनको कॉपी किताब सब तरीके की सुविधाएँ मुहैया कराकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, किन्हीं पारिवारिक कारणों के कारण अगर वो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके साथ में है। वो बच्चे अपने जिस स्किल में भी उनकी योग्यता है, जिसमें भी उनकी रुचि है, उस माध्यम से प्रशिक्षित होकर आगे जाकर वो रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और केवल उन्हें सिखाएगी नहीं सरकार, उनको आगे उनको रोज़गार दिलाने का भी उनका मार्ग प्रशस्त करने का काम सरकार का है। मैं इस काम के लिए अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जो प्रशासनिक इकाई है, मिशनरी है, उसके संयोजन से बहराइच जनपद में यह काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बेरोजगार नौजवानों के सपनों में पंख भरने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लगभग 34 ऐसे सेक्टर हैं और 200 से ऊपर 283 या 84 समथिंग है, तमाम इन सारी विधाओं में, वो चाहे प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे कारपेंटिंग का काम हो, इलेक्ट्रीशियन का काम हो, ये सारे कामों में प्रशिक्षित करके जो युवा, कोई ना हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है किसी न किसी स्कूल को जन्मजात लेकर पैदा हुआ है, उसे निखारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। इस अवसर पर मुझे या आप सबसे बात करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आम जनमानस के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि जितने भी हमारे नव युवक हैं जो 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच हैं, किन्हीं कारणों से उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर स्किल है लेकिन वो स्किल उसको इस ढंग से संयमित नहीं हो पा रही है, उसको परिष्कृत नहीं हो पा रहा है, प्रदेश सरकार ने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ऐसे युवाओं को शिक्षित करके उनको स्वावलंबन की दिशा में जो प्रयास किया गया है वह सराहनीय है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो युवा है वो रोजगार पाने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं बल्कि खुद रोजगार के सृजक बने हुए हैं, इस कार्यक्रम की यही उपलब्धि है। ये रथ जिले के विभिन्न अंचलों में, विभिन्न क्षेत्रों में घूमेगा और ये नुक्कड़ नाटक की मंडलियाँ भी जगह जगह स्थान पर जाकर इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और निश्चित रूप से इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, ऐसे लोगों की निराशा दूर होगी जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सीखने का और सीख कर काम करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दे रही है और इसका लाभ विकास के क्षेत्र में भी होगा। जय हिंद।